सबसे पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के जलगांव, जहां मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबके साथ से सबका विकास करने वाली सरकार मिलेगी। साथियों, अब आप बताइए, ये पांचों बातें बीते 5 वर्ष में जमीन पर उतरी कि नहीं उतरी? उतरी कि नहीं उतरी? उतरी कि नहीं उतरी? 5 वर्ष में देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक ही मुख्यमंत्री रहा कि नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? वरना पहले तो ऐसे ग्रहों की छाया थी कि इतने बड़े लंबे कालखंड में एक ही मुख्यमंत्री थे जिनको 5 साल रहने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको 5 साल, और ये राजनीतिक स्थिरता ने पूरे महाराष्ट्र की हिंदुस्तान में गरिमा बढ़ाई है। इतना ही नहीं, आज दुनिया में भी महाराष्ट्र और मुंबई की वाहवाही होने लगी है। 5 वर्ष में हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समुदाय का एक समान विकास हुआ है या नहीं? 5 वर्ष में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त शासन मिला या नहीं? 5 वर्ष में सामाजिक सद्भाव महाराष्ट्र में सशक्त हुआ या नहीं? भाई और बहनों, बीते 5 साल में यहां देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी टीम ने महाराष्ट्र को विकास और विश्वास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। महाराष्ट्र का युवा हो, महाराष्ट्र की बहन बेटियां हो, सभी के लिए इस विश्वस्त साथी के रूप में सरकार ने काम किया है। सड़क से लेकर सिंचाई तक, पढ़ाई से लेकर दवाई तक, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। किसान हो या कारोबारी, हर किसी को नया आत्मविश्वास देने में सरकार सफल रही है। साथियों, बीते 5 वर्ष के हमारे काम से यहां विपक्ष भी हैरान और परेशान है। हमारे विरोधी भी आज ये मान रहे हैं कि महायुति का नेतृत्व कर्मशील भी है और ऊर्जावान भी है। थके हुए साथी एक दूसरे के लिए सहारा तो बन सकते हैं। महाराष्ट्र के सपनों को, यहां के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम कभी नहीं बन सकते। और ये भी देखिए साहब, ये नेता लोग कैसे हैं। आप देखिए, हमारे यहां मंच पर एक से एक बढ़कर एक नौजवान नेता दिखाई दे रहे हैं और लगातार नए नेता उभर रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में, सच्चा है झूठा है वो तो आप जांच कीजिए भाई, मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो देखा इसलिए बताता हूं। एक नेताजी सोफा पर बैठे हैं, माला पहनाने के लिए उनकी पार्टी के नेता आए तो 3-4 लोगों ने उनको पकड़ करके खड़ा किया नेताजी को, और फिर माला पहनाई तो बीच में एक थोड़ी जगह थी तो एक नौजवान ने अपनी मुंडी दिखाई। तो ये इतने बड़े नेता जिसकी जीवन भर अखबारों में फोटो छपती रही है, टीवी पर दिखते रहे, बड़ा माना गया है, लेकिन मन इतना छोटा था कि एक नौजवान की मुंडी दिख रही तो ऐसे करके उसको बाहर निकाला। मैं तो हैरान हो थी वो वीडियो देख करके, मैं हैरान हो गया। जो लोग अपने ही दल के मंच पर बैठे हुए अपने महत्वपूर्ण साथी की मुंडी भी माला में घुस गई तो कौन ही मार करके बाहर निकाल दिया। जो अपने ही दल को बड़ा नहीं बना सकते, वो आपके बेटे को कैसे बड़ा बनाएंगे?
साथियों, मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र के विकास की तेज गति और निरंतर प्रगति में एक सार्थक योगदान का अवसर हमें मिला है। जब यहां की गरीब बहनों, आदिवासी बहनों के जीवन में आए बदलाव के बारे में सुनते हैं तो हमें संतोष होता है। आज महाराष्ट्र के गरीब 10 लाख बहनें हमारी सरकार की आवास योजना की वजह से अपने पक्के घर में अपने परिवार की देखभाल कर पा रही है। आज उनको इस बात की चिंता नहीं है कि त्योहार में वो मेहमानों को कहां जगह देंगी, बरसात में बच्चों को कहां सुलाएंगी, और 10 लाख बहनों को जो खुशी बीते 5 वर्ष में मिल चुकी है, आने वाले कुछ महीनों में 10 लाख और बहनों को अपना पक्का घर मिलना तय है। ऐसा पक्का घर जिसमें अपने भी पलेंगे और अपनों के सपने भी पलेंगे। महाराष्ट्र देश के हर गरीब के अपने घर के इस सपने को 2022 तक पूरा करने के लिए हम पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं, और इस गति को और तेज करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई पर भी फिर मोहर लगाने का आह्वान करने के लिए आज हम सभी यहां एकत्र आए हैं। भाइयों बहनों, 4 महीने पहले ही आपने ये तय किया है कि नए भारत के निर्माण में महाराष्ट्र की भूमिका अहम होगी। किसान, जवान और नौजवान के जीवन को बेहतर बनाने के जिस संकल्प को लेकर भाजपा एनडीए का गठबंधन आपके बीच आया था, उस पर पूरे महाराष्ट्र ने विश्वास जताया। आज जलगांव से लेकर पूरे महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि सरकार बनाने के बाद कितनी तेजी से संकल्प को सिद्धि में बदलने का काम शुरू हो चुका है। भाजपा के संकल्प पत्र की अनेक बातें अब या तो जमीन पर उतर चुकी है या फिर उनको पूरा करने के लिए योजनाएं शुरू हो चुकी है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपसे वादा किया था कि सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा हर किसान परिवार तक पहुंचाया जाएगा। आज महाराष्ट्र के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें भी महाराष्ट्र प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। देवेंद्र जी, आपको बधाई, आपकी टीम को भी बधाई। यहां के 60 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 2000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कल्चर नहीं। जिन किसान परिवारों को आधार से लिंक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बैंक में नाम का स्पेलिंग एक है, आधार में स्पेलिंग अलग है, उनके लिए भी छूट देने का फैसला सरकार कर चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे साथियों के बैंक खाते में भी सीधे सीधी मदद पहुंचाई जाएगी, और 4 महीने के भीतर भीतर फिर से ये जो छोटी मोटी टेक्निकल कमियां है उसको दूर करके 4 महीने के भीतर भीतर आधार से जोड़ने का काम भी कर लिया जाएगा और दरमियान पैसे भी पहुंचा दिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, भाजपा के तमाम साथियों ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश के छोटे किसानों को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का भी संकल्प लिया था। सरकार बनते ही हमने निर्णय लिया कि छोटे किसान परिवारों और छोटे कारोबारियों
दुकानदारों को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये की नियमित पेंशन की सुविधा दी जाएगी। आज पीएम किसान मानधन योजना और पीएम व्यापारी पेंशन योजना से लाखों किसान और दुकानदार साथी जुड़ रहे हैं। अभी तक देश भर में करीब 18 लाख किसान पेंशन योजना का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें से 70,000 से अधिक ये मेरे महाराष्ट्र के हैं। साथियों, एक और बहुत बड़े संकल्प को हम जमीन पर उतारना शुरू कर चुके हैं। ये संकल्प पानी का है। महाराष्ट्र सहित पूरे देश के हर घर को जल से जोड़ने का है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये तो स्वयं ही जलगांव है और जलगांव से ही जल पहुंचाने का संकल्प लेने का मुझे मौका मिला है। जाहिर है इस बजट का बहुत बड़ा लाभ महाराष्ट्र को होने वाला है। जलगांव सहित उत्तरी महाराष्ट्र के हर जिले, हर तालुका, हर गांव को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन इतने व्यापक अभियान को सिर्फ सरकार नहीं चला सकती, इसमें पूरे महाराष्ट्र की भूमिका अहम रहने वाली है। जलयुक्त शिवार का जो अभियान यहां देवेंद्र जी की टीम आप सभी साथियों के साथ मिलकर चला रही है, उससे इस मिशन को और गति मिलने वाली है। आज जल बचाने और जल संरक्षण के लिए आप अपने स्तर पर जो भी प्रबंध कर रहे हैं उनको अब तकनीक से जोड़ने वाले हैं। हमारे पानी के स्रोतों को कैसे एक ग्रिड से जोड़ा जा सकता है और फिर उस ग्रिड से कैसे घर घर तक उचित मात्रा में पानी पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए काम किया जा रहा है।